नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बहुत है और बेरोजगारी भी एक तरफ बहुत बढ़ती जा रही है। यहाँ एक वर्ग मेहनत करके, स्टूडेंट्स मेहनत करके अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं, वहीं कुछ लोग झूठे विज्ञापन देकर उन लोगों को फांसने की फिराक में रहते हैं, उनको फांसने की पूरी संभव कोशिश करते हैं। जिस तरह की मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 13,582 पद के बारे में जो आपको जानकारियां विभिन्न विभिन्न वेबसाइट्स पे विभिन्न विभिन्न जगह मिल रही हैं, वो एक झूठा विज्ञापन है, एक फर्जी नोटिफिकेशन है। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए वही चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप भी इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस और झूठी विज्ञप्ति विज्ञापन से को पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आवेदन करें, ताकि आपके महत्वपूर्ण समय और आपके जो सिंचित धन है उसका कोई दुरुपयोग न कर पाए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे क्या बात है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का वो पद विज्ञप्ति झूठी क्यों पाई गई उसके बारे में। राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल के 13,500 पदों की घोषणा का विज्ञापन हर जगह वायरल हो रहा है। यह एक फर्जी विज्ञापन है, फर्जी नोटिफिकेशन है, जिसे राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा 2013 में ही जारी किया गया था। जो 2013 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसको 2017 में बताकर कुछ लोग उसको फर्जी तरीके से वायरल कर रहे हैं और उसको चारों तरफ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोग इसके झांसे में जाएं, मतलब सीधे साधे बेरोजगार लोग इसके झांसे में आ जाएं, जिसमें कुछ बदलाव करके ये विज्ञापन बनाकर उसे वायरल कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई करने पर यह विज्ञापन झूठा साबित हो गया है। हम आपको इस विज्ञापन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस फर्जी विज्ञापन के तहत 13,582 पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2017 निर्धारित की गई है। जहां तक फर्जी विज्ञापन में घोषित पदों का सवाल है, वे इस प्रकार बताए गए थे, जैसे कि पद का नाम कांस्टेबल और उसकी टोटल संख्या थी 13,582 और श्रेणी के अनुसार कांस्टेबल सामान्य, चालक, ऑपरेटर में अलग अलग 11,610, 893, 61 और 332 पद बताए गए थे। उपयुक्त जो मैंने आपको बताए इन पद के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों को मिनिमम शैक्षणिक योग्यता जिनकी है उसके आधार पर आवेदन के लिए पात्र माना गया है। पद के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार बताई गई थी। कांस्टेबल सामान्य चालक पद के लिए 10वीं, कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए 12वीं, इस तरह से होगी भौतिकी और गणित से। और उम्मीदवारों का चयन भी लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ऐसा कि बताया गया है, और जिसमें फीस सामान्य और ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये। इस प्रकार अगर आपको भी इस तरह के विज्ञापन की या किसी दूसरे YouTube वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है, तो इसके लिए आवेदन बिल्कुल भी ना करें, ये ठगी का मामला भी बन सकता है। हम इस वीडियो में आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, मैं फर्जी विज्ञापन है उसकी विज्ञप्ति में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे रहा हूँ, जिसको किस तरह से 2013 को 2017 में बताया गया है। ठीक है, ये एक अच्छी जानकारी मुझे मिला अभी कुछ सूत्रों में, विश्वसनीय सूत्रों से मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी जानकारी दूँ, ताकि आप इसके झांसे में ना आएँ और सपने सजो बैठे। आपको जानकारी कैसी लगी बताने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो उनको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ और जॉब संबंधित तो करियर गाइड में आपको रोजाना लाता रहूँ। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।